एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एपी क्यूपी का फुल फॉर्म क्या है। ये स्लाइड देख करके आप सबको लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर तो सबको पता है। जी हाँ, हो सकता है सबको पता है, बट 90% लोगों को पता होगा, बट फिर भी 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जिनको इसका एक्चुअल फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो क्या मिस्टेक करते हैं वो आगे देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैं नेक्स्ट आगे की स्लाइड दिखाऊं, आप खुद से इसका आंसर सोचिए और या फिर मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने इसका आंसर क्या सोचा था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एपी क्यूपी का जो फुल फॉर्म है, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इसको कहा था, ना कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही फुल फॉर्म क्या हुआ, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ना कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एडवांस्ड का मतलब हुआ हाई एंड या इन्हांस्ड, और वहीं एडवांस का मतलब है बिफोर या टाइम से पहले। तो एपी क्यूपी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसका मतलब ये हो कि टाइम से पहले की प्लानिंग, बल्कि एपी क्यूपी जो है वो है हाई एंड प्लानिंग, मतलब एडवांस प्लानिंग। तो इसलिए एपी क्यूपी का फुल फॉर्म हुआ एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, ना कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। इसके अलावा एपी क्यूपी के सारे फेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और नीडी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल लर्न विथ रूना को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पे इंटरव्यू रिलेटेड जो वीडियोस है इसे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस होंगे पूरा प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं।